गाजीपुर के ऐतिहासिक सरजमी पर सरजू पारे पार्क में जो धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। मंच पर बैठे हुए हम लोगों के पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक, हम लोगों के नेता आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी। मंच पर बैठे हुए हम नौजवानों के नेता, जंगीपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी। मंच पर बैठे हुए गाजीपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राधे मोहन सिंह जी। मंच पर बैठे हुए हम लोगों के पार्टी के गाजीपुर पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व सांसद आदरणीय जगदीश कुशवाहा जी। मंच पर बैठे हुए हम लोगों के गाजीपुर पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय रामधारी यादव जी। हम लोगों के शानदार पूर्व प्रत्याशी सदर विधानसभा आदरणीय राजेश कुशवाहा जी। हम लोगों के बीच में बैठे हुए पार्टी के शानदार नेता पूर्व प्रत्याशी एमएलसी आदरणीय सानंद सिंह जी और तमाम पार्टी के सभी हैदर अली टाइगर साहब से लगायत गोपाल यादव जी जो हम लोगों के बड़े भाई है, महिला सभा की नेता आदरणीय जिला अध्यक्ष जी। सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गो और गाजीपुर के कोने कोने से आए हुए आप सभी नौजवान साथियों, आप सभी लोगों का आज इस 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर अपने दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए, इस दिन को याद करते हुए उन सवालों को लेकर हम सब लोग आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। जब यह देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब बाबा काम महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब पूरा हिंदुस्तान जन में आजादी को लड़ाई को लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ और नौजवान भी इस हिंदुस्तान में उस लड़ाई को लड़ने का काम किए थे। आपका अधिकार छीना जा रहा है, आपकी नौकरी खतरे में है, आपकी आने वाली
नस्लों की जो पीढ़ियां हैं वो बर्बाद होंगी। आप उन सवालों को लेकर जागने का काम करो। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हिटलर की यहाँ पर चर्चा हुई और हिटलर भी जब इस देश में सरकार दुनिया में आया था तो हिटलर के बारे में पढ़िएगा, वह सबसे बड़ा झूठा था। और जब वह देश का चुनाव जीत कर जाता है संसद में तो संसद के सामने बैठ कर रोने का काम करता है, और जब उसको दोबारा सत्ता में आने की करती है तो एक जाति विशेष के लोगों को हमेशा जिस देश के जनता को भड़काने का काम करता है, भड़काने का काम करता है, हिंसा में झोंकने का काम करता है। साथियों, इसलिए आज यह देश की जो सरकार बनी हुई है, जो देश का बादशाह बैठा हुआ है, वह हिटलर से कम नहीं है। और जो प्रदेश में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं उनके बारे में तो आप सब लोग जानते हुए हैं। इसलिए साथियों, उन बातों को लेकर हम लोगों को समाजवादी विचारधारा को फैलाकर और कैसे 2022 में सरकार बनेगी और देश और प्रदेश के नौजवानों को कैसे आगे ले जाया जाएगा, उत्तर प्रदेश को फिर कैसे खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर लाने का काम किया जाएगा, उन सवालों को लेकर जाएंगे। इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।